Okay, class, this is our this is the part of your lecture number second part of lecture number 6, convection. We are moving towards the mechanism or towards the definition of convection. So convection ko understand karne ke liye, iske concept ko understand karne ke liye, you must know its mechanism. ठीक है, जब तक आपको मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, यू आर नॉट एबल टू डिफाइन कन्वेक्शन. ठीक है, सो हाउ यू कैन डिफाइन कन्वेक्शन, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज एक्चुअली कन्वेक्शन इज. कंसीडर दिस इज अ कैटल. ठीक है, वो कैटल जिसमें आप वाटर जो है वो हीटअप करते हो. कैटल एक्चुअली प्लास्टिक ही हो रही है. ठीक है, और इसके एंड पे ऑन द वेरी बॉटम पे, कैटल के बॉटम पे वी हैव अ रॉड. ठीक है, जिन्हें आप हीटिंग रॉड्स भी कह सकते हो, एंड सेकंड नेम ऑफ दैट हीटिंग रॉड इज मेंटल. ठीक है, आप उन्हें मेंटल भी कहते हो. अब मेंटल या हीटिंग रॉड के साथ वी आर कनेक्टेड अ स्विच, वायर्स कनेक्टेड होती हैं. इन वायर्स को हम दैट इज़ कनेक्टेड विद द प्लग. ठीक है, और उस प्लग को जब आप एंटर करते हो इन योर सॉकेट और स्विच ऑन करते हो, बटन को आपने ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी आपने कैटल को प्रोवाइड की. ठीक है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी कैटल को प्रोवाइड करते हो तो क्या होगा, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, हीटिंग एलिमेंट विल हीट अप. ठीक है, ये गर्म होगा. गर्म होने के बाद जितने भी डॉट्स आपको नज़र आए, दीज आर एक्चुअली द वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये तमाम वाटर मॉलिक्यूल्स वो जो नियर बाय हैं टू दैट हीटिंग एलिमेंट, दे विल गेन दैट हीट एनर्जी. ठीक है, वो उस हीट एनर्जी को गेन करेंगे, और गेन करने के बाद दे विल वार्म अप, वो गर्म हो जाएंगे. मेक एक चीज़ याद रखिए, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, कि जो भी चीज़ गर्म होती है उसकी डेंसिटी लो हो जाती है, और हर वो चीज़ जिसकी डेंसिटी लो होगी, इट विल मूव टू द सर्फेस, वो सर्फेस पे आ जाएगी. वो कभी भी बिलो द सर्फेस, बॉटम के ऊपर आपको नहीं मिलती है. इससे क्या है, वो तमाम वाटर मॉलिक्यूल जो कि हीटअप हुए हैं, हीटअप होने के बाद दे विल मूव टूवर्ड्स द सर्फेस. ठीक है, सर्फेस पे ये तमाम मॉलिक्यूल्स कहाँ चले गए, ऑन द सर्फेस. अब इन मॉलिक्यूल्स की स्पेस भी तो लेनी है किसी ने. अब ऐसे तो नहीं हो सकता कैटल में कि इतनी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सर्फेस पे चलेंगे और इनकी इतनी स्पेस जो है वो ब्लैंक हो जाए. ब्लैंक होगी बट ब्लैंक रहेगी नहीं. ठीक है, सो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ठंडे हैं, जो कि अभी तक गर्म नहीं हुए, दे विल कम टू टेक द पोजीशन, इनकी जगह पे आएंगे, और जगह लेने के बाद दे विल अगेन हीट अप, वो दोबारा से हीट अप होके सरफेस पे चले जाएंगे, और वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो कि अभी तक ठंडे हैं, दे विल अगेन मूव टू द मेंटल. ठीक है, सो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो चलता जाएगा. कैसे, कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स हीट अप होते जाएंगे, दे विल मूव टू द सर्फेस, और जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं दे विल कम हेयर, वो हीट अप होंगे और दोबारा से ऊपर चल जाएंगे सर्फेस के ऊपर. ठीक है, बिकॉज जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है. जिनकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, जिनकी डेंसिटी हीट होने के बाद वार्म हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, उनकी डेंसिटी कम होती है, दे विल मूव टू द सर्फेस. ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेक्शन, ये कन्वेक्शन है. ठीक है, सो इस पूरे प्रोसेस के थ्रू हम कन्वेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. ओके, इन योर बुक हाउ कन्वेक्शन इज डिफाइंड, व्हेन वाटर इज बॉइल्ड इन एन इलेक्ट्रिक कैटल, द हीटिंग एलिमेंट इन द कैटल ओनली वार्म्स द वाटर टचिंग इट. कौन से मॉलिक्यूल्स जो कि इस मेंटल को आके टच कर रहे हैं, सिर्फ वो हीट अप होंगे, और जैसे ही वो हीट होंगे, वार्म वाटर इज लेस डेंस दैन द कोल्ड वाटर, सो इट विल राइज, और ये कहाँ पे चला जाएगा, अबव सरफेस पे आ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन. ठीक है, अब सेकेंडली हमने ये बोला था कि अब जो दूसरे जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो दोबारा से मेंटल की तरफ आएंगे, हीटिंग एलिमेंट के पास आएंगे, दे विल हीट अप और दोबारा से अबव द डायरेक्शन सरफेस पे आ जाएंगे. सिमिलर लाइक ये साइकिल चलता रहेगा अनटिल और अनलेस कि हमारे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गर्म नहीं हो जाते. ठीक है, क्या होगा, कोल्ड वाटर रिप्लेस द राइजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, and this in turn also become warm and rise. A continuous circulating stream
is set up in the kettle. Continuous circulating stream का क्या मतलब है कि गर्म water molecules जो हैं वो above direction जाएंगे और ठंडे molecules आके गर्म होके दोबारा से ऊपर जाते जाएंगे. ठीक है, this is called convection current. ठीक है, इस चीज़ को आप क्या नाम दे रहे हो, convection current. ओके, this is actually the mechanism of convection or you can say that this is a process of convection. ठीक है, convection and convection current. This could be your possible long question for your exam point of view. Okay, from here you can learn the application of convection. There are actually the two applications of convection. The first one is heating of the room. ठीक है, सर्दियों के अंदर room ठंडा है, आपने heater on किया और after some time your room air has become warm, गर्म हो चुकी हुई है. तो वो कैसे हुई है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन. इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं. एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स, हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कन्वेक्शन. सो दीज आर द टू एप्लीकेशंस ऑफ द कन्वेक्शन. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. कंसीडर करें, इन दिस डायग्राम यू हैव अ रूम. इन द रूम यू हैव अ हीटर. आपने हीटर ऑन किया विंटर सीजन में, आपने हीटर ऑन किया और जैसे ही आपने हीटर ऑन किया रूम में क्या है, कोल्ड एयर है. अब जितनी भी एयर यहाँ पे इस हीटर के अराउंड होगी, ऑल द एयर मॉलिक्यूल्स विल गेन दैट हीट फ्रॉम द हीटर. हीटर से वो हीट एनर्जी लेंगे मॉलिक्यूल्स, दे विल गेट एब्जॉर्ब दैट एनर्जी. उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद बिकॉज दे नाउ दे हैव बिकम वार्म, वो गर्म हो चुके हुए हैं. और आपको ये पता है कि जो भी चीज़ गर्म हो जाती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है. जैसे ही उसकी डेंसिटी मॉलिक्यूल्स की कम होंगी, दे विल कम ऑन द सर्फेस. वो यहाँ पे रूफ के पास हमारे रूम की टॉप पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे. और रूम में तो बाकी मॉलिक्यूल्स भी हैं जो कि अभी तक ठंडे हैं. सो वो मॉलिक्यूल्स दोबारा से हीटर के पास आएंगे, वहाँ से हीट एनर्जी गेन करेंगे, इट विल मूव ऑन द टॉप. ठीक है, सो टिल नाउ कि जब ये साइकिल चलता रहेगा, अनटिल और अनलेस हमारे पास रूम की एयर जो है वो टोटल एयर नाउ हैज़ बिकम वार्म. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल. नाउ मूव टू योर एग्जांपल नंबर टू, फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स. ठीक है, डे टाइम एक्चुअली क्या हुआ, सनलाइट है. ठीक है, जैसे ही सनलाइट अर्थ के ऊपर फॉल करी है, अर्थ की जो टेम्परेचर है इट विल राइज. ठीक है, जैसे ही अर्थ का टेम्परेचर राइज होगा, हमारे पास टेम्परेचर राइज होने के रिजल्ट में एयर वार्म अप होगी. ठीक है, इट विल गेन दैट एनर्जी फ्रॉम द सन और वो वार्म हो जाएगी. वार्म होने के बाद बिकॉज द एयर जो वार्म हुई है, इट विल राइज अप. वो अबव डायरेक्शन जो है वो एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएगी. ठीक है, हमारी अपर एटमॉस्फेयर में मूव करती जाएगी. अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, वी हैव अ कराची की बात ले लेते हैं, ओशन भी है वहाँ पे प्रेजेंट. तो वाटर मॉलिक्यूल्स की हीट कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है. वाटर की ये कैपेसिटी है कि वो हीट को अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर सकते हैं. सो क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो वाटर है उसका टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स का कम होगा. अर्थ पे जो सनलाइट तो दोनों पे फॉल